हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो यार देखो, बात बहुत सिंपल है, कमेंट में लिखकर जरूर बताना कि कैसे हैं आप लोग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस पेटीएम इन्फोटेक चैनल पर नए हो और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ऐसा चैनल आपको दोबारा नहीं ना मिलेगा। और अगर ये वीडियो आपको कहीं भी खुश कर पाई तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और आज हमारे YouTube का पहला वीडियो है और आज हम आपको बताने वाले हैं पेटीएम के बारे में। दोस्तों, पेटीएम बहुत लोग यूज़ करते हैं और इसके बेनिफिट को नहीं उठा पाते हैं और कई लोग तो यूज भी नहीं करते हैं। तो चलिए आज हम आपको पेटीएम के बारे में बताएंगे। तो इसके लिए आपको पेटीएम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। पेटीएम ऐप डाउनलोड करने के लिए मेरे वीडियो के टाइटल पर क्लिक करें, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर में पहुंच जाएंगे, जहां से आप पेटीएम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम अपने पेटीएम ऐप को ओपन करते हैं और यहां पर अपने लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ता है जिसमें हम इसे चलाना चाहते हैं। उसके बाद यहां पर आपको परमिशन मांगेगा तो उसे अलाउ कर देना है और क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपको नंबर डालना है जिससे आप पेटीएम बनाना चाहते हैं, तो मैं नंबर डाल रहा हूँ। फिर प्रोसीड सिक्योरली पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए दोस्त, ऑप्शन है प्रोसीड सिक्योरली, इस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये वेरीफाई लेगा और आपके नंबर पर OTP भेज देगा, वन टाइम पासवर्ड, तो उसे आपको इंटर कर लेना है जो आएगा मोबाइल नंबर पर। तो इंटर कर फिर से प्रोसीड सिक्योरली पर क्लिक करना है। दोस्तों, प्रोसीड सिक्योरली इस पर क्लिक करना है तो ये वैलिडेटिंग करेगा, उसके बाद वेरीफाई करेगा और आपका अकाउंट ओपन करेगा। तो देखिए, आपका अकाउंट बन चुका है, पेटीएम का अकाउंट। उसके बाद आपको इसके लिए KYC कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम अपने पेटीएम पासबुक को ओपन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पैन कार्ड या वोटर आईडी कुछ भी सेलेक्ट करना है और अपना नंबर डालना है पैन कार्ड या वोटर आईडी का। तो यहाँ देखिए, मैं अपना रैंडम सा कोई नंबर डाल देता हूँ, तो ये मैं फिल कर रहा हूँ। उसके बाद आपको अपना नीचे फुल नेम या वोटर आईडी, मतलब कुछ भी अपना नाम डालिए जो पेटीएम में आप रखना चाहते हो। जैसे कि पेटीएम में कोई भी आपके पास मनी सेंड करेगा तो ये नाम पर आपको सेंड करेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे एक बॉक्स है वाइट वाला, उस पर टिक कर देना है और उसे मतलब एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए, वहाँ पर वोटर आईडी नंबर जो है सो उसे आप रेंडम सा कोई भी रख सकते हो इसे, या वोटर आईडी ओरिजिनल वाला भी डाल सकते हो, या तो अपने से जो रखना चाहते हो वो रख सकते हो, इसमें कोई दोष नहीं है। तो इसमें आप रैंडम सा कोई डाल दीजिए आपके पास नहीं, उसके बाद सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद देखिए, मेरा पासबुक ओपन हो चुका है और KYC मिनी KYC हो चुका है। और फिर आपको पेटीएम बैलेंस देखिए, यहाँ पर आप जीरो बैलेंस है। इस ऑफ़र को आप दो तरीक़ों से लूट सकते हो। पहले तरीके में तो आपको ₹40 का बैंक में पैसा मिलेगा और दूसरे तरीके में ₹40 का पेटीएम कैश और ₹35 का फ्री रिचार्ज मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा आपको लूटना है। तो मेरे हिसाब से तो आपको दूसरे तरीका से लूटना चाहिए। तो मैंने इस वीडियो में दोनों तरीके बता रखे हैं, पहले और दूसरे। तो आपको जो पसंद आए उसमें आप उस ऑफ़र को सेलेक्ट करके उसे लूट सकते हैं। तो पहले हमें अपने पेटीएम के पासवर्ड को चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए हम पासवर्ड को चेंज करते हैं। इससे पहले आपको एक यूनिक पासवर्ड रखना है जिसे आप याद रख सके, और ऐसा सीक्रेट होना चाहिए जो कि किसी को पता ना चले, नहीं तो वो आपके अकाउंट को हैक कर सकता है या आपके अकाउंट के मनी को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है। इसको चलिए अपने पेटीएम को एक बार फिर से हटा कर खोलते हैं। तो चलिए अपने पेटीएम को ओपन करते हैं। तो यहाँ देखिए, थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया, सिक्योर योर पेटीएम अकाउंट विद ये पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको एक यूनिक पासवर्ड रखना है जो किसी को पता ना चले, आप याद रख सकें आसानी से। तो यहाँ पर चलिए अपना पासवर्ड एक फिलअप कर लेते हैं। देखिए, अभी पासवर्ड डाल रहा हूँ। फिर से आपको नीचे री एंटर पासवर्ड करना, मतलब वही पासवर्ड जो आपने रखा है उसे फिर से डालना है। तो मैं डाल दे रहा हूँ। फिर आपको नीचे कंफर्म दिख रहा है, कंफर्म पर क्लिक करना है। तो ये देखिए, मेरा पासवर्ड सेट हो चुका है। उसके बाद मैं आपको अब पहला ऑफ़र बताता हूँ। पहले ऑफ़र के लिए आपको मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए, मोर का ऑप्शन है, मोर पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे गोल्ड, एक गोल्ड का ऑप्शन मिलेगा, देखिए गोल्ड, इस पर क्लिक करना है। जब हम गोल्ड पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ इंटर अमाउंट आता है, इंटर अमाउंट। तो यहाँ पर आपको ₹40 डालना है, 4040। और यहाँ पर साइड में एक हैव ये प्रोमो कोड का ऑप्शन है, देखिए हैव ये प्रोमो कोड,
इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इंटर करना है FREE 40 40 40। FRE 40 40। उसके बाद अप्लाई, यहाँ पर देखिए साइड में अप्लाई का ऑप्शन है, तो इसको आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। तो देखिए ये अप्लाई हो रहा है, ये अप्लाई हो चुका है यहाँ देखिए। उसके बाद नीचे प्रोसीड टू बाय का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो ये प्रोसीड टू बाय क्लिक किए तो उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम मांगेगा, तो आपको अपना नाम डाल देना है जो आप रखना चाहते हैं। यहाँ पर आप अपना नाम डाल सकते हैं, किसी का नाम डाल सकते हैं, डाल देंगे। उसके बाद नीचे पिन कोड डालना है, आप जिस एरिया में रहते हैं उसका पिन कोड। उसके बाद आपको टिक पर क्लिक करके प्रोसीड करना है। यहाँ देखिए नीचे प्रोसीड का एक बटन है, उस पर क्लिक करना है। तो ये देखिए मेरा गोल्ड अभी बाय होने में प्रोसेसिंग हो रहा है। ये प्रोसेसिंग होकर मेरा गोल्ड अभी कंफर्म कर रहा है। ये मेरा गोल्ड देखिए अभी बाय हो चुका है। तो नीचे देखिए यहाँ पर लिखा है FREE 40 अप्लाइड और 40 रुपये का डिस्काउंट अप्लाई हुआ है। यहाँ नीचे FREE 10 है, FREE 10 को आप अगले महीने अप्लाई कर सकते हैं और फिर से 10 रुपये, मतलब कि इसमें यही फ़ायदा है कि हर महीने आपको FREE 10 अप्लाई करने से 10 रुपये का फ्री गोल्ड मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए पेटीएम गोल्ड में 11.90 मिलीग्राम गोल्ड बता रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए 11.90 मिलीग्राम 38 रुपये 92 पैसे का गोल्ड बता रहा था। यहाँ पर आपको सेल गोल्ड पर क्लिक करना है। जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे देखिए यहाँ पर 0.119 ग्राम बता रहा है और 37.47 ग्राम बता रहा है सेल करने पर आपको अमाउंट दिया जाएगा। तो यहाँ पर सेलिंग ग्राम पर टिक लगाना है और फिर वहाँ टिक करते हैं और नीचे इंटर ग्राम करना है, जैसे कि जो आपको ऊपर में दिखा रहा है कि 0.00119 ग्राम दिखा रहा है वहाँ पर, उसी अमाउंट को वहाँ नीचे आपको इंटर करना है। तो मैं इंटर कर लेता हूँ 0.0119, आपको इंटर कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर साइड में 37.47 रुपीज़ बता रहा है अमाउंट, जो कि ऊपर में लिखा हुआ है 37.47 रुपीज़। अब आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है, जो नीचे बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। तो आपको अकाउंट नंबर मांगेगा, जैसे कि आपके पास तो खाता होगा ही, या तो आपके पापा के पास खाता होगा, तो आप उसको उसका नंबर आपको डाल देना है। तो ये मैं अपने बैंक अकाउंट खाते का नंबर डाल रहा हूँ, ये मैं अपने डाल रहा हूँ। उसके बाद नीचे आपको अपना नाम डालना है जो अकाउंट में दिया गया है, और नीचे बैंक का IFSC कोड डालना है जो कि खाते में छपा हुआ रहता है। तो इसे डालकर जब आप प्रोसीड अब आप प्रोसीड टू सेल 0.119 ग्राम गोल्ड करेंगे, जो कि नीचे बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे। तो ये मेरा गोल्ड सेलिंग में प्रोसेसिंग लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए जब आप क्लिक करेंगे तो आपको आपके फ़ोन में एक OTP आएगा, जिससे आप पेटीएम से कि रजिस्टर किए थे, तो आपको उस OTP को डाल देना है। तो मैं अपने OTP को डाल दे रहा हूँ, मेरे फ़ोन में आ चुका है। उसके बाद आपको नीचे कन्फर्म का बटन दिख रहा है, कन्फर्म पर क्लिक करना है। अब कन्फर्म पर क्लिक करके सेलिंग प्रोसेसिंग हो रहा है और ये थोड़ा टाइम लगेगा सेल करने में। तो अब देखिए थोड़ा टाइम, यहाँ जो सेलिंग रिक्वेस्ट पेटीएम को पहुँच चुका है, अब ये सेल करेगा। ये देखिए मेरा गोल्ड सेल हो चुका है और मेरे मैसेज भी आ चुका है बैंक ऑफ इंडिया से या जीमेल में भी आ चुका है कि आपको 37 रुपये रिसीव हुआ। देखिए मेरे मैसेज में इतने रुपये 37 रुपये 47 पैसा एक बार आया और एक बार एक रुपया, तो मतलब 37 रुपये 47 पैसा का फ़ायदा हुआ। तो ये पहला स्टेप में इस प्रकार का फ़ायदा होगा और हर महीने 10-10 रुपये के गोल्ड का फ़ायदा होगा। और दूसरे स्टेप के आगे आप बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की ओर। तो मैं अपने फिर देखिए यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया में मैसेज आया था। अब दूसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं, फिर से अपने पेटीएम को खोलते हैं और यहाँ पर लगभग 15 मिनट तक वेट करना पड़ता है दूसरे स्टेप के लिए। तो 15 मिनट तक वेट कर हम फिर से एड मनी टू पेटीएम वॉलेट करेंगे, जैसे कि मेरे KYC करने के बाद 15 मिनट हो चुके हैं, तो मैं अपने पासबुक में एड मनी टू पेटीएम करूँगा। तो अब यहाँ पर आपको अमाउंट इंटर अमाउंट दिख रहा है, वहाँ पर आपको डालना है 40 रुपीज़। तो यहाँ देखिए आप 40 रुपीज़ डालना है आपको 40। ये फिर से मैं थोड़ा बैक होकर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको एड मनी टू पेटीएम करना है। तो यहाँ पर आप जब एड मनी टू पेटीएम कर लेंगे तो यहाँ पर आपको पेटीएम वॉलेट पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको ये थोड़ा लोडिंग ले रहा है, ओपन होने दीजिए। यहाँ पर देखिए इस प्रकार ओपन हुआ। तो यहाँ पर आपको 40 रुपीज़ अमाउंट डालना है और नीचे एक हैव ये प्रोमो कार्ड दिख रहा है, वहाँ पर आपको डालना है NEW40 डालना है और अप्लाई करना है। तो ये अप्लाई हो चुका है, देखिए यहाँ नीचे लिखा है कैशबैक ऑफ ₹40 विल बी क्रेडिटेड इन योर अकाउंट विद इन 24 आवर्स, तो फ्लैट ₹30 कैशबैक ऑन रिचार्ज। तो आपको अब एड मनी जो दिख रहा है एड मनी पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए एड मनी का जो बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है।
ये एड मनी पर क्लिक किए तो उसके बाद ऑटोमेटिक ये पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा, ये डायरेक्ट एड मनी हो चुका है। उसके बाद थोड़ी देर में आपको कैशबैक रिसीव हो जाएगा 40 रुपीज़ का। देखिए कैशबैक रिसीव, मुझे कैशबैक रिसीव हो चुका है। अब हम अपना रिचार्ज कर सकते हैं या बिल पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए मोबाइल प्रीपेड का ऑप्शन है, तो आपको मोर पर क्लिक करना है। तो मोर पर जब क्लिक करते हैं तो नीचे स्लाइड करना है। नीचे स्लाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर मोबाइल प्रीपेड का ऑप्शन दिख रहा है मुझे, रिचार्ज एंड बिल पेमेंट में मोबाइल प्रीपेड, उस पर आपको क्लिक करना है। तो ये जब क्लिक किया तो यहाँ पर आपको नंबर डालना है जिस पर आपको रिचार्ज करना है। तो मैं अपना नंबर फिलअप कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने अपना नंबर डाल लिया, ये ऑपरेटर अब ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा। अब आपको यहाँ पर अमाउंट डालना है कि कितने का रिचार्ज करेगा। आप तो 40 रुपये से कम का ही डाल सकते हैं क्योंकि इसमें 40 रुपये का ही ऑफर मिलता है। तो आप 35 रुपये डाल दीजिए क्योंकि एयरटेल में 40 का होता नहीं। तो 35 रुपये डाल के आपको यहाँ पर टिक नहीं लगाना, फास्ट फॉरवर्ड जो एक नीचे ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ देखिए नीचे एक फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर टिक नहीं लगाना है और प्रोसीड टू रिचार्ज करना है। तो यहाँ देखिए प्रोसीड टू रिचार्ज करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन अप्लाई प्रोमो कोड, देखिए नीचे दिख रहा है अप्लाई प्रोमो कोड। तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस प्रोमो कोड यहाँ पर नहीं दिया गया है जिसे ऐप को अप्लाई करना है, तो आपको वहाँ पर प्रोमो कोड इंटर करना पड़ेगा। तो आप इंटर या पेस्ट प्रोमो कोड पर वहाँ क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए वहाँ क्लिक करते हैं। तो ये क्लिक किया, यहाँ पर आपको डालना है FORTY40। उसके बाद यहाँ पर साइड में एक अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है वहीं पर राइट साइड में, तो आपको उस पर क्लिक करना है। तो ये मैं अप्लाई पर क्लिक किया और ये देखिए अप्लाई हो गया है और यहाँ पर लिख रहा है 40 अप्लाइड रुपये, 35 कैशबैक विल बी एडेड टू योर पेटीएम वैलेट विद इन 24 आवर ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन। तो ये देखिए यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आपको नीचे जो प्रोसीड टू पे ₹35 का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। नीचे उस पर टिक नहीं लगाना है बॉक्स में और नीचे क्लिक करना है। तो ये देखिए ऑटोमेटिक पेमेंट करेगा आपके पेटीएम के पासबुक से। तो ये लोडिंग ले रहा है, मेरा नेट थोड़ा स्लो है। तो ये देखिए कर रहा है प्रोसेसिंग में और आपके वैलेट से डायरेक्ट पैसे कटेंगे इसमें। तो ये देखिए आपके वैलेट से ट्रांजेक्शन किया जा रहा है और ये देखिए ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है और आपने जिस नंबर को डाला था उस नंबर पर रिचार्ज हो चुका है और आपके ₹35 कैशबैक भी रिसीव हो चुका है। तो अब आप उस मोबाइल में चेक कर सकते हैं। फिर अपने पासबुक को ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए अमाउंट में यहाँ पर मेरे पेटीएम वैलेट में अभी 40 रुपये हो चुके हैं। 40 रुपये मैंने ऐड किए थे और 40 रुपये भी बचे हुए थे, रिचार्ज तो मेरा फ्री में आ गया। यहाँ नीचे देखिए 40 रुपये दिखा रहा है कैशबैक रिसीव्ड फ्रॉम पेटीएम, फर्स्ट ऑर्डर जो किए थे जो 40 रुपये डाल के किए थे कैशबैक रिसीव फ्रॉम पेटीएम। फिर सेकंड नंबर 35 रुपये का जो रिचार्ज किए और तीसरा नंबर पर 35 रुपये का कैशबैक रिसीव हुआ। 40 रुपीज़ से आप जब मन करे इसे रिचार्ज मार सकते हैं या किसी फ्रेंड के साथ भेज सकते हैं या कहीं पर अपना बैंक में भी भेज सकते हैं। बैंक के लिए कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। तो देखिए आपको किसी भी नंबर से एक नया अकाउंट बनाकर कुछ पेटीएम बनवा लेना है और इतने रुपये का बेनिफिट हो जाएगा। जैसे 35 रुपये का रिचार्ज फ्री बेनिफिट हो जाएगा और पासबुक में 40 रुपीज़ मिल जाएगा।